हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। बाहुबली मूवी के बाद लोगों ने इनको पैन इंडिया स्टार मान लिया था, लेकिन यकीन मानो उसके बाद इन्होंने ऐसी कोई भी मूवी नहीं बनाई है जो पैन इंडिया मूवी बोल सके। राधे श्याम की बात को तो ये मूवी कैसी, वो आपको इस पूरे वीडियो में पता चल जाएगा। मूवी में प्रभास ने रोल प्ले किया बाबा ऑक्टोपस का, यानी कि हाथों की रेखा देखकर बता सकते कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ऐसी ही मूवी की शुरुआत में भाई साहब इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देते कि तुम एमरजेंसी लगाओगी, और वो बोलते ही वो भाई इंडिया छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे में वो यूरोप जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात डॉक्टर प्रेरणा से होती है, यानी कि पूजा हेगड़े से होती है। अब इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है, सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। तो यार ये मूवी वन टाइम वॉच है, वन टाइम वॉच इसलिए क्योंकि इसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, सॉन्ग सुनने को अच्छे लगते हैं, और विजुअली ये एक किसी डिज्नी वाली लव स्टोरी देखने को मिलती है। बट इसके अलावा मूवी में बहुत सारे नेगेटिव है, जैसे कि सबसे पहले जो हीरो हीरोइन के बीच की जो केमिस्ट्री होना चाहिए था वो बिल्कुल भी मजा नहीं देती, यानी कि पूजा हेगड़े के सामने प्रभास कोई भी एंगल से सुटेबल मुझे नहीं लगे। हालांकि इस पर्टिकुलर मूवी में प्रभास को बहुत ही ज़्यादा डैशिंग बताने की कोशिश की है, लेकिन उनको थोड़ा सा और वेट कम करना चाहिए था, और जो उनकी डबिंग थी वो लिटरली उन्होंने हगा है वहाँ पर। अगर सेम डबिंग में अगर प्रभास खुद की ही वॉइस में बाहुबली को भी डब करते ना, तो वो जो एक मैजिक था ना मूवी का जो शरद केलकर ने किया था, वो मैजिक आपको समझ में नहीं आता। और हिंदी बेल्ट में बाहुबली को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है ओनली बिकॉज ऑफ प्रभास डबिंग, और यहाँ पर भी प्रभास की जो डबिंग है वो इतना आपके दिमाग में घुसती है ना, मेरे को ये मेरे को वो, मतलब यार वो जो इडली वाले अन्ना होते हैं ना, वो जिस तरीके से हिंदी बोलते हैं हमारे मुंबई में, बिल्कुल वैसे ही वॉइस, बस वैसा ही लग रहा था। एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि पूजा हेगड़े की जो एंट्री थी वो जिस तरीके से ट्रेन से बाहर निकल के वो दोनों हाथ निकाल के वो मुंह खोल के वो क्या कर रही थी, मतलब उस चीज में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। ये सिमिलर सीन आपको इस पर्टिकुलर मूवी में दो बार देखने को मिलता है, और जब दूसरी बार प्रभास वो दुपट्टा पकड़ा होता है तो प्रभास का जो एक्सप्रेशन था वो मतलब लिटरली इतना लस्टफुल था कि कोई भी एंगल था ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब वो लड़की को मतलब प्यार से देख रहा, मतलब एकदम हवस की से देख रहा है, ऐसे ही लग रहा था। अब आपको भी लग रहा था कि नहीं पता नहीं, अगर फिर से दोबारा से आगे इस पर्टिकुलर मूवी को देखो और वो सीन जरूर गौर करना, और प्रभास का फेशियल एक्सप्रेशन देखना। फेशियल एक्सप्रेशन से याद आया, जीरो फेशियल एक्सप्रेशन प्रभास, बाय प्रभास थ्रू आउट द मूवी। मतलब लव स्टोरी में किसी भी एंगल से वो एक लवर बॉय का रोल प्ले ही नहीं कर सकते आज की तारीख में मेरे हिसाब से। खैर अगर एंडिंग की बात करो तो वहां पर जो VFX बताया, वो शिप से रिलेटेड जो जो चीजें बताई है, VFX अच्छा करने की कोशिश की, बहुत अच्छा किया। मतलब एज इंडियन हमारे को ऐसे VFX देखना है, और भी इससे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखनी है, फिर भी VFX अच्छा लगा। लेकिन वो जो क्लाइमेक्स था वो काफी ज्यादा फोर्स्ड मुझे लगा, बस ऐसा कुछ भी खास यूनिकनेस नहीं लगी उसके अंदर। आप लोग कुछ यूनिक हट के सोचने जा रहे हो तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर्टिकुलर मूवी में मिलने वाला। हाँ वो जो पामिस्ट्री वाला जो एक नया एंगल था वो काफी यूनिक था, लेकिन उसके बाद मूवी में कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो मतलब मजा दे। और हाँ एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो प्रभास की मैंने पहले बहुत बुराई कर चुका हूँ, तो अब मुझे और बुराई नहीं करना। पूजा हेगड़े ने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, वो इस पर्टिकुलर मूवी में बहुत ज्यादा अच्छी भी लगी है। उसके अलावा यहाँ पर भाग्यश्री जी भी देखने को मिलती, जिन्होंने अपना काम ठीक ठाक किया, उनका कुछ खास काम है नहीं। और हाँ जगपति बाबू कहने को यहाँ पर वो है, बट बस सिर्फ नाम के लिए, बस वो थोड़ा बहुत एंग्री रिएक्शन देते हैं, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन लोगों ने भी अपने हिस्से के रोल को ठीक ठाक से निभाया। डायरेक्शन मूवी का अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि इंडियन ऑडियंस को प्रभास से बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई, और प्रभास को अब ऐसे रोल में वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर रहे। उनके लिए मेरे ख्याल से आदि पुरुष जैसी ही मूवी बनी है, और मुझे नहीं पता कि आने वाली उनकी मूवी सालार कैसी होगी, आई डोंट नो। बट प्रशांत नील सर पर मुझे पूरा भरोसा, क्योंकि KGF जैसी मास्टरपीस तो उन्होंने ही बनाई है ना। तो ओवरऑल अगर आपको जाके देखना है, फिर से बोलूँ तो भाई एक बार जाके देख लो। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, मूवी में किसिंग सीन है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6/10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।